बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि एसीएस के पाठक को शायद अब एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश सरकार की तरफ से मिल सकती है। जी हाँ, बिहार के 7 आईएएस अधिकारी वर्ष 2024 यानी कि अगले साल रिटायर होने वाले हैं। इसमें 6 अभी बिहार में तैनात हैं और 1 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं मुख्य सचिव आमिर सुबहानी का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 को खत्म हो रहा है और वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि सरकार अभी संशय में है कि उन्हें एक्सटेंशन दे या ना दे। आमतौर पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। वहीं मुख्य सचिव को सरकार एक्सटेंशन दे भी सकती है और नहीं भी। वहीं इससे पहले भी बता दें कि दीपक कुमार और त्रिपुरारी शरण दोनों को एक्सटेंशन सरकार की ओर से मिल चुकी है। वहीं आमिर सुबहानी को नीतीश सरकार एक्सटेंशन देती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि आमिर सुबहानी की जगह शायद अब के पाठक को जिम्मेदारी नीतीश सरकार दे सकती है। बता दें कि कुछ अधिकारियों के नाम संभावितों में शामिल हैं जो आमिर सुबहानी के चेहरे की जगह बताए जा रहे हैं। वहीं अगले वर्ष अप्रैल में यदि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन नहीं मिली तो नए मुख्य सचिव के तौर पर लोग तलाश भी हो रहे हैं, लेकिन मुख्य नाम के पाठक का सामने आ रहा है। दरअसल नीतीश सरकार में जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से लगातार वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कई ऐसे फरमान उनकी तरफ से जारी किए गए हैं जिसे लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं और नीतीश कुमार के पाठक काफी खास भी बताए जा रहे हैं। तो इन सब मामलों को देखते हुए कयास ये लगाया जा रहा है कि यदि अगले वर्ष मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन नहीं मिलती है तो शायद उनकी जगह के पाठक को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि सीनियरिटी के मामले में यदि देखें तो कई अधिकारी अभी भी सरकार में शामिल हैं जिनमें मुख्य तौर पर के पाठक सबसे ऊपर आ रहे हैं। बता दें कि इनमें जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव और 90 बैच के आईएएस अधिकारी चैतन्य प्रसाद हैं जिनका कार्यकाल 2025 में समाप्त होगा। वहीं 1990 बैच के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी हैं जिनका कार्यकाल जनवरी 2028 में समाप्त हो रहा है। इसके साथ 1991 बैच के स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का भी नाम शामिल हो रहा है। वहीं अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यदि आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन नहीं मिलती है 23 अप्रैल के बाद तो क्या उनकी जगह के पाठक मुख्य सचिव के तौर पर पदभार संभाल पाएंगे।